Students, we were on the topic sound, and in this I already told you about the echo and reverberation. Now I will explain you the uses of multiple reflection of sound. So uses of multiple reflection of sound. In this process, I give you some examples where these multiple reflection of sound is used and what is the purpose of this. So number first, हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का यूज कहाँ पे कर रहे हैं। तो एक्चुअली आप लोगों ने मेगाफोन देखा होगा, लाउड स्पीकर देखे होंगे, ओके, हॉर्न देखा है, और कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी आपने देखे होंगे। हॉर्न आपने देखा होगा जो बाइक ऑटो वगैरह में लगा रहता है, पहले लोग जो है हाथ से दबाते थे, उसमें बैलून टाइप का लगाता था, फोन कॉपी ऑफ करता था। तो आपने देखा होगा मेगाफोन, लाउड स्पीकर, हॉर्न एंड म्यूजिकल। तो उसमें क्या होता है कि सपोज इट इज द मेगाफोन, दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मेगाफोन, ओके। तो यहाँ पे कोई आप लोग साउंड बना रहे हैं, साउंड रिपीट करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि साउंड जो है यहाँ से जनरेट हुआ है, इसके अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड होता है, और इस तरह से साउंड जितनी भी साउंड वेव्स इधर से चलती हैं सबकी सब रिफ्लेक्ट होती हैं, और एक डायरेक्शन में मेगाफोन की आवाज आपको सुनाई देती है। तो मेगाफोन लाउड स्पीकर भी सेम है, वर्क करता है, ओके। कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी इस तरह से बने होते हैं, सच एज सहनाई, बांसुरी, सहनाई। तो उसमें क्या होता है कि सेम उसमें भी जब हम लोग एयर ब्लो करते हैं तो साउंड एक ही डायरेक्शन में, एक स्पेशल डायरेक्शन में मूव करता है, ओके। नाउ द सेकंड इज एस्थेटिक प्रॉपर्टीज, इट है स्टेसिस स्कोप। अब इसमें स्टेसिस स्कोप क्या होता है कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है जिसको डॉक्टर लोग अपने पास रखते हैं, डॉक्टर आपकी हार्ट बीट को मेजर करने के लिए स्टेसिस स्कोप का यूज करते हैं। तो तभी आपका स्टेसिस स्कोप का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह का होता है, ओके, इस तरह का होता है डायफ्राम को हार्ट बीट पे रखते हैं, डॉक्टर किसी की बॉडी पे रखता है, हार्ट के ऊपर रखता है, तो यहाँ पे डायफ्राम जो होता है ये इसके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट होता है, ये वाइब्रेशन इस पाइप में मल्टीपल रिफ्लेक्शन के जरिए मूव करते हुए, ओके, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के जरिए मूव करते हुए ईयर पीसेस तक आते हैं, और जब हम इसको अपने ईयर्स में लगाते हैं तो ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से जो साउंड होता है हमको काफ़ी तेजी से सुनाई देता है, और हम उसको इजीली मेजर कर सकते हैं कि कितनी हार्ट बीट हुई, जो कि हमें नॉर्मली सुनाई नहीं मिलती है। नाउ द थर्ड यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्रैक्शन का यूज हम लोग सीलिंग ऑफ द कंसर्ट हॉल, कंसर्ट
कंसर्ट हॉल वो होता है एक ऐसा ऑडिटोरियम आप कह सकते हैं कि जहाँ पे म्यूजिक प्ले किया जाता है और पब्लिक सारा प्रोग्राम आप कर देखिए, उसको हम लोग बोले कंसर्ट हॉल, जहाँ पे हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, प्ले करते हैं और उसकी आवाज़ उनको सुनाई देती है। ओके, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो सीलिंग ये सब होती है वो किस तरह से बनी होती है, स्टेज के सामने भी इस तरह का होता है। तो यहाँ पे अगर आप कहें तो ये सीलिंग इस तरह से होती है कि जो साउंड आपका होगा वो आए, यहाँ पे कोई साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो साउंड प्रोड्यूस करने के बाद ये साउंड इधर जा रहा है तो साउंड इधर आता है, इस तरह से आएगा, इस तरह से। ओके, ये क्या होगा, ये साउंड यहाँ से आने के बाद रिफ्लेक्ट होगा और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये अपनी डायरेक्शन में तो सीलिंग का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। जो सीलिंग बनाते हैं सब बनी होती है कंफर्ट ड्रॉल की, जब यहाँ पे साउंड क्रिएट हो रहा होता है नीचे की तरफ, ये साउंड ऊपर की तरफ जाता है, रिफ्लेक्ट होता है और जितने भी लोग बैठे होते हैं उनको क्लियर साउंड सुनाई देता है और सभी लोगों को अच्छे से साउंड सुनाई देता है और सभी लोग इंजॉय करते हैं और उसको इस तरह से क्रिएट ही करते हैं ताकि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होने के बाद जो है एच एंड एवरी जो भी ऑन लुकर्स हैं, स्पेक्टेटर्स हैं, सबको वो साउंड क्लियर सुनाई दे। ओके, नाउ रेंज ऑफ द क्लियर, स्टूडेंट आवर न्यू टॉपिक इज नाउ साउंड वेव्स कितनी चाहिए। साउंड वेव तो तीन दिन का उसको हम सुन सकते हैं, तो पहली तो आपकी ऑडियो साउंड होती है, ऑडियो साउंड इसकी रेंज जो होती है ऑडियो साउंड यानी जो साउंड हमको सुनाई देती है दिस इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 से लेस होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड, 20 या इंफ्रासोनिक डिफरेंस। इंफ्रासोनिक डिफरेंस और ये जो मोर देन 20,000 होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ये लेस देन 20,000 और मोर देन 20,000 तो ये होता है अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी। ओके, तो जो ऑडिबल साउंड होती है उसकी जो फ्रिक्वेंसी की रेंज होती है 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़ यानी जो साउंड ह्यूमन बीइंग सुन सकता है उसकी फ्रिक्वेंसी 20 हर्ट्ज़ टू 20,000 हर्ट्ज़ होती है। जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो 20,000 हर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी को सुन सकता है और जैसे जैसे हमारी बड़ी होती जाती है हमारी फ्रिक्वेंसी को सुनने की जो कैपेसिटी होती है वो डिक्रीज होती जाती है। ओके, नाउ बिलो 20 हर्ट्ज़ ये इंफ्रासोनिक फ्रीक्वेंसी होती है, इसको ह्यूमन बींग्स नहीं सुन सकता है, कुछ एनिमल्स इसको सुन सकते हैं सच एज डॉग, एलिफेंट, ओके, कैट। और इसको क्या होता है कि ये फ्रीक्वेंसी कहाँ पर जनरेट होती है, गर्मी आर्थिक में ये फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है और ये फ्रीक्वेंसी जो है आपका सिंपल पेंडुलम जब आप बनाते हैं तो उसमें भी ये जनरेट होता है, इतना कम होता है कि इसको हम इजली सुन नहीं सकते फ्रीक्वेंसी को। नाउ फ्रीक्वेंसी मोर देन 20,000 हर्ट्ज़ इसको भी हम लोग सुन नहीं सकते बिकॉज ये हमारी रेंज के बाहर फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरह की फ्रीक्वेंसी का यूज हम लोग साइंस में करते हैं
और अल्ट्रासाउंड लोग बोलते हैं अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी और अल्ट्रासाउंड, और इस तरह की फ्रिक्वेंसी आप रडार में यूज कर रहे हैं, बैग चमगादड़ इस तरह की फ्रिक्वेंसी रिलीज करते हैं, तो इसका यूज हम लोग करते हैं। That's it.